सो हेलो गाइस, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन न्यू वीडियो। सो दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन एराइज हुआ मेरे इस वीडियो पे। अभी आप देख रहे होंगे ये वीडियो पे, हाउ टू मेक अ कवर पेज। ठीक, तो वहाँ पे सब लोग ने बोला कि भाई कवर पेज तो हमने बना ली, बट इसको हम अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, बहुत सारे मेथड है, हर मेथड के हिसाब से आप उसको वहाँ पे अपने कवर पेज को लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज मैं इस वीडियो पे पूरा कवर करूंगा कि अपने मोबाइल से कैसे आप थंबनेल में अपना कवर पेज लगा सकते हैं और अपने सिस्टम या लैपटॉप से कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ बात करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको हमारे तरफ से इस टाइप की वीडियोज़ मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कवर पेज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कवर पेज बनाने के लिए मैं कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ करता हूं। तो कवर पेज बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूं पिक्सल ऐप। आप देख रहे होंगे सेम इंटरफेस आपके सामने भी आएगा। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, पिक्सल ऐप आप अगर सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे तो आपको ये एप्लीकेशंस दिख जाएगा। अब हम अपने वीडियोस में कैसे जो है हम थंबनेल को लगाते हैं वो बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट को ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर दी है अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ऑन। ठीक है, तो साइड में आपको वीडियो भी ये दिखते रहेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो होती है YT स्टूडियो। वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर में अगर आप सर्च मारेंगे YT स्टूडियो तो आपको देख रहे होंगे यूट्यूब स्टूडियो आपको मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली YT स्टूडियो को ओपन करना है। जैसे आप YT स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपका जो यूट्यूब का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरा कोई एक वीडियो है, ये वीडियो है, अब इसमें मेरे को थंबनेल लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो पे क्लिक करूँगा। थर्ड ऑप्शन वाले जो वीडियो है इसको क्लिक करूँगा। अब सेम इंटरफेस आपके सामने भी ओपन होगा, वहाँ पे एक पेंसिल बन के आ रहा होगा, उस पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पेंसिल में क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आपके सामने भी आएगा, जिसमें ऊपर थंबनेल और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और विजिबिलिटी ऑन लिस्टेड है या क्या है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, नो इट नॉट मेड फॉर किट आएगा। ये सारा सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद ये तो आपको पता ही है सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे TR दिख रहा है, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद सेम इंटरफेस आपके सामने भी आएगा। तीन जो है वो YouTube अपने आप ही प्रोवाइड करता है आपको थंबनेल, आपकी वीडियो से ही कैप्चर करके। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कस्टमाइज थंबनेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज थंबनेल में क्लिक करने के बाद आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से हम इमेजेस में जाएंगे, यहाँ से आप कैमरा, ओपन कैमरा जो भी है उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पिक्सल ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कई सारे जो थंबनेल बनाए, एक एग्जांपल के लिए आपको हम ये पुट करके दिखाएंगे, सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपका आ गया पूरा। उसके बाद ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा डन पे, डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी वीडियो की कवर पेज जो है वो लग चुकी होगी, सेम एज इट इज़। ऐसे ही आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में भी करना है। डेस्कटॉप स्क्रीन में आपको अपने एडिट में जाना है, जो भी वीडियोस हैं। ठीक है, वो मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कैसे जो है आप डेस्कटॉप स्क्रीन से कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आप डेस्कटॉप से नहीं करते हैं, मोबाइल से करना चाहे तो आप YT स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिलहाल जो है डेस्कटॉप से करने के लिए ना मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहीं पे बताता हूं कैसे जो है आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक YouTube अकाउंट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। सो गाइज, आप YouTube पेज को ओपन करने के बाद लॉगिन जैसे करेंगे तो सेम इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। और ऊपर आपको जहाँ पे आइकन दिख रहा होगा आपका, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो, यहाँ पे भी YouTube स्टूडियो है, वहाँ पे भी YouTube स्टूडियो, हमने मोबाइल में भी जो किया था वो YouTube स्टूडियो से किया था, यहाँ पे भी YouTube स्टूडियो है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप YouTube स्टूडियो में क्लिक करेंगे तो आपका मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप कंटेंट में जाएंगे, जो आपका वीडियो है, जिस वीडियो पे आप कवर पेज को चेंज करना चाहते हैं। तो अभी हमने ये फोर्थ वाला जो था ना, इसको चेंज किया था। फिर यहाँ पे पेंसिल एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पेंसिल में क्लिक करेंगे। सेम इंटरफेस आपके सामने भी ओपन होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे देख रहे हो नीचे थंबनेल। अगर आप ट्यूब बॉडी को यूज़ करते हैं तो ट्यूब बॉडी से आप अपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, क्रिएट थंबनेल। ठीक है, ट्यूब बॉडी का भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। अगर अपने वीडियो से मेरे को कोई एक सीन कैप्चर करना है, अगर यूट्यूब मेरे को वो रिकमेंड नहीं करता है तो मैं जाता हूँ क्रिएट थंबनेल में। तो यहाँ पे मैं करूँगा ट्यूब बॉडी पे जाऊंगा, क्रिएट थंबनेल यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे स्टिल फ्रॉम वीडियो सॉलिड कलर। ठीक है, यहाँ पे आप अपने थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी वीडियो से लेनी है तो फर्स्ट पार्ट में जाएंगे,
वीडियो ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको हाई रिजोल्यूशन करना है, यानी 1080p पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी लेना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम रोकेंगे इस वीडियो को, रोकने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट, इमोजीज, इमेजेस, शेप्स वगैरह भी लगा सकते हैं और अपने वीडियोस को कंटिन्यू करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये तो था ट्यूबबडी से हम अपने कवर पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा ना, यहाँ पे चेंज में जाएंगे ना, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे चेंज में जाएंगे, चेंज करके यहाँ से आप कोई भी थंबनेल अपना लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई मैं लगाऊं, तो यहाँ से मैं देखिए थंबनेल ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को कोई भी एक थंबनेल लगाना है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये थंबनेल लगाना है, या कोई भी एक थंबनेल ले लेता हूँ, ये थंबनेल ले लेता हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये थंबनेल मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी वीडियो की जो कवर पेज है ना, वो चेंज हो चुकी होगी। अभी अब यहाँ पे देख रहा हूँ, ये जो है आपकी कवर पेज चेंज हो चुकी है। That is friend, बस इतने ही होता है वीडियो के कवर पेज को चेंज करना। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं आ रहा है अपने वीडियो में कवर पेज कैसे लगाते हैं, तो आज मैंने आपको बता दिया मोबाइल से कैसे आप कवर पेज को लगा सकते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप अपने कवर पेज को कैसे लगा सकते हैं। तो इतने था, दैट्स इज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी तरफ से YouTube के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बराबर मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।